इनोवेटिव पाठशाला या नवाचारी पाठशाला की बात कर रहे हैं, तो इनोवेशन तो अपने आप में बहुत बृहत उसका वोकैबुलरी है या उसका शब्द है। तो ये क्योंकि ये प्रैक्टिस था लेकिन सुसुप्त अवस्था में था, टीचरों को जब वो शुरुआत करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग लेते हैं, उसी समय होता है कि आप किस तरह से कोई भी पाठ को बच्चों को अट्रैक्टिव बना के पढ़ाएंगे, वो उनको करना होता है अपने पाठ टीका में। लेकिन हो सकता है बहुत सारे गतिविधियों के कारण टीचर्स उतना ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन अरविंदो सोसाइटी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इस चीज को उन्होंने जागृत कर दिया। और हमारे टीचर्स, जैसे हमारे जिले में अगर 6,000 टीचर्स हैं, अगर एक हर एक टीचर एक भी अपना जो इनोवेटिव आइडिया है उसको ही करेगा, तो मुझे लगता है कि 6,000 ऐसे ही हम लोगों के पास आइडियाज मिल जाएंगे, और यदि उसको बांटा जाए तब तो फिर कहना ही क्या। तो निश्चित रूप से आप लोगों का जो प्रोग्राम हम लोगों के जिला में होता भी है, जो इनोवेटिव आइडियाज और शून्य निवेश करते हुए आपको अपनी आइडियाज ये करना, तो ये बहुत ही कारगर हमारे लिए रहा है। और बहुत सारे इवन हम लोग भी जाते हैं कोई प्रोग्राम में, तो टीचर्स ने जो अपना प्रदर्श बनाया होता है उसको इतने अच्छे तरीके से डिस्प्ले करते हैं, तो हम लोगों को भी लगता है अरे वाह, हम लोगों ने अपने पढ़ने के समय में वो आइडियाज नहीं सीखा, तो वो कमी खलती है। लेकिन निश्चित रूप से टीचर्स, ये आप लोगों का भी प्रयास और आपका मोटिवेशन से एकदम नए तरीके से पढ़ाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि अगर हम लोग एक तरीके से पढ़ाने के की शुरुआत करते हैं तो एक तरह से बोरिंग हो जाता है क्लासेस, बच्चे ऊब जाते हैं, और थोड़ा सा होता है कि अगर अगर साइंस के सब्जेक्ट में यदि फूल के बारे में पढ़ाना है, पुष्प के बारे में पढ़ाना है, तो यदि एकदम कुछ नहीं, अगर बच्चों को टीचर्स एक दिन पहले कहते आएंगे कि नहीं आप अपने घर में जो 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 भी फूल है आपके आसपास कुछ ले आना, तो उनको लगेगा अरे आज क्या पढ़ाया जाएगा, टीचर ने मुझे फूल लाने के लिए कहा है। तो ये सब एक तरह से बच्चे को भी प्रेरित करता है और टीचर भी बच्चों के साथ आपसी तालमेल बना करके खुशनुमा माहौल में पढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय है, और आप लोगों का इसमें काफ़ी सहयोग रहा है, उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। इसमें जैसे जो रोल मॉडल स्कूल का कंसेप्ट है, इसी तरह से एक कंसेप्ट शुरू भी किया गया था लीडर स्कूल का, तो लीडर स्कूल में भी हम लोगों ने बेसिकली वही प्रक्रिया रखा था कि उस विद्यालय को, इसमें हम लोगों ने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन जोड़े थे कि उसमें वर्ग कक्ष होने चाहिए, पर्याप्त संख्या में बच्चों की संख्या होनी चाहिए, टीचर्स उस अनुपात में होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने जो अभी रोल मॉडल की बात किया है, तो उसमें आप लोग एक तरह से किस तरह से पढ़ाना है और किस तरह से बच्चों को उसमें अपने आप इन्वॉल्व होना है, उसके बारे में जो बताने की का प्रयास किया है, मुझे लगता है ये काफ़ी सक्सेसफुल होगा, और हमारे टीचर्स इस रोल मॉडल के कंसेप्ट से ट्रेनिंग के माध्यम से वाकिफ हो करके निश्चित रूप से इसमें आपका सहयोग लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहूँगी कि अपने ज़िले के ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल को ये लोग एक रोल मॉडल स्कूल बनाने का प्रयास करें।